हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे फ्रॉम लेसन ग्रेविटेशन, जो आपको यूजफुल रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ सैटेलाइट ऑफ मास एम फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 आर टू 3 आर अराउंड अर्थ ऑफ मास एम। प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया गया है कि हमको एक अर्थ दी गई है, तो सबसे पहले हम एक अर्थ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक अर्थ बनाया हुआ है और देखिए इसका रेडियस जो है यहाँ पर ये आर है, और इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि एट डिस्टेंस टू आर के ऊपर हमने एक छोटा सा प्लेनेट रखा हुआ है। एट डिस्टेंस टू आर के ऊपर हमने एक छोटा सा एक सैटेलाइट रखा हुआ है और ये एक ऑर्बिट कर रहा है एट डिस्टेंस टू आर, और हमको इसको लेके जाना है एट ए डिस्टेंस 3 आर। तो इस सैटेलाइट को हमको लेके जाना है, यहाँ पर सैटेलाइट है, इसकी मास m है और हमको इसको लेके जाना है एट ए डिस्टेंस 3 आर। देखिए ये हमारा 3 आर रहेगा, हम चाहते हैं कि सैटेलाइट को इस डिस्टेंस पे लेके जाए, तो सैटेलाइट को हम क्या कराना चाहते हैं, इस डिस्टेंस पे लेके जाके इसको ऑर्बिट कराना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, हमको एनर्जी फाइंड करनी है कि हमको इस सैटेलाइट को हमको कितनी एनर्जी देनी है। जब ये ऑर्बिट कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 आर, तो हमको कितनी एनर्जी देनी है ताकि हम इसको लेके जाए एट एन ऑर्बिटल डिस्टेंस ऑफ 3 आर। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये सैटेलाइट के पास जो एनर्जी रहेगी एट 2 आर, तो ये दोनों रहेगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए ये जी एम एम अपॉन 2 आर इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, प्लस साथ में इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ एम वी स्क्वायर, और हमको उसको कुछ एनर्जी देनी है ताकि उसकी एनर्जी हो जाए माइनस जी एम एम अपॉन 3 आर, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, प्लस वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, दैट इज हाफ। यहाँ पर देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी ये हाफ एम टू स्क्वायर रहेगी, राइट। और आप देखिए ये यहाँ पर क्या सॉल्व होगा, ये यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर, और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, एंड बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल बाइंडिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी हमारा क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा वो ट्वाइस रहेगा, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ये हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी इसकी हाफ रहेगी, तो टोटल एनर्जी जो रहेगी वो इसकी हाफ रहेगी, दैट मीन्स माइनस जी एम एम अपॉन 4 आर, माइनस जी एम एम अपॉन 4 आर, तो ये प्लस जी एम एम अपॉन 4 आर जो रहेगा, ये देखिए ये इसकी क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। यहाँ पर ये इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी जी एम एम अपॉन 4 आर, और प्लस जो हम एनर्जी पुट कर रहे ताकि यहाँ पर जो इसकी टोटल एनर्जी इतनी बन जाए, दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन 3 आर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो इसी तरह से आएगी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी जो रहेगी हमारी हाफ ऑफ दिस, तो ये रहेगी यहाँ पर जी माइनस जी एम एम अपॉन 6 आर, तो मतलब प्लस जी एम एम अपॉन 6 आर रहना चाहिए, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी रहनी चाहिए, प्लस जी एम एम अपॉन 6 आर। तो आप देखिए ये हमारी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस टू आएगा, माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन 4 आर, यहाँ पर माइनस जी एम एम अपॉन 4 आर आएगा, और प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ पर जो एलसीएम रहेगा हमारा 6 आर रहेगा,
माइनस टू आर प्लस ए माइनस जी एमएम रहेगा, और जो हमको एनर्जी पुट करनी है, ये देखो एक्स एक्स की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, माइनस जी एमएम अपॉन 6 आर प्लस जी एमएम ओवर 4 आर। अब इसकी एलसीएम हमको लेनी है, तो आप देखिए इसकी जब एलसीएम हम लोग लेने जाएंगे तो ये यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू 4 5 20। देखिए ये 4 × 6 कितना हो जाएगा आपका, 24 r² हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा -4 जी एम एम आर -4 जी एम एम, और यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा +4 +6 जी एम एम आर, राइट। तो ये देखिए अब ये कितना बनेगा, +6 -4 कितना आएगा, 2 2 GMM R अपॉन 24 r², ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और ये देखिए ये एक्स की वैल्यू जो रहेगी GMM/12 r रहेगा, GMM/ ये 12 r इसकी वैल्यू रहेगी। तो ये देखिए ये ऑप्शन है यहाँ पर GMM/12 r। अब देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज रेज्ड टू अ हाइट nr अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमको फाइंड करना है कि कितनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इस प्रॉब्लम में पूछा गया है कि यू फाइंड दी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम इज रेज्ड टू अ हाइट एन आर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये अर्थ बना रहे और हमको बॉडी को रेस करना है टू अ हाइट एन आर। ये देखिए यहाँ पर मैंने अर्थ को बनाया हुआ है और हमको यहाँ पर क्या करना है, इस बॉडी को हमको ले जाना है इस तरह से, इस बॉडी को हमको यहाँ पर ले जाना है एट अ हाइट, और ये दिया गया है हाइट इज इक्वल टू आपको एन आर ले जाना है। इस बॉडी को देखिए चेंज पथ पूछा गया है कि चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम इज रेज्ड टू हाइट एन आर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप देखिए इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो रहेगी -GMM/r। r यानी कि क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम द सेंटर से ये हमारा डिस्टेंस क्या बनेगा, r प्लस एन आर, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। और आप देखिए इसकी इनिशियल, अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसमें निकालते हैं तो देखिए इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी जो सी लेवल पे रहेगी यानी ग्राउंड पे, तो -GMM/r। तो इस जो मास है, अगर आप मास है, इस मास की पोटेंशियल एनर्जी जो ग्राउंड पे ये इतनी है और इस मास को हमको लेके जाना है एट अ हाइट एन आर, उस वक्त देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी, राइट। तो इसके मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो लेस नेगेटिव हो जाएगी, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। आप देखिए व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अब हम निकाल रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखिए ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो इसका आया हुआ है -GMM/ यहाँ पर देखिए ये आर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर ये 1 + n बचता है और ये -GM/r बचता है। अब इसका ये एक बेनिफिट है कि हम -GMM/r को बाहर ले सकते हैं, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका ये एक बेनिफिट है कि हम GMM/r को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, -GMM/r
अपॉन आर को अगर हमने कॉमन लिया हुआ है, ये आएगा 1 ओवर n+1 -1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -gmm/r इंटू 1 -n+1 ओवर n+1। तो इससे देखिए ये माइनस एन आ रहा है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो रहा है। दैट मीन्स ऑलवेज दी चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। तो 1 -1 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एन आएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो प्लस जी एम एम इंटू एन अपॉन एन प्लस वन इंटू आर। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एन ओवर एन प्लस वन इंटू जी एम एम ओवर आर। देखेंगे ये ऑप्शन है क्या यहाँ पर, एन ओवर एन प्लस वन। और देखिए ये आंसर आपको स्मॉल जी में दिया गया है, तो हमको स्मॉल जी लाना पड़ेगा। तो इसमें स्मॉल जी की वैल्यू जो रहेगी फ्रेंड्स, ये देखिए स्मॉल जी की वैल्यू हमारी रहेगी जी एम ओवर आर स्क्वायर, राइट। तो जी एम ओवर आर स्क्वायर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में, तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एन ओवर एन प्लस वन इंटू जी एम ओवर आर स्क्वायर इंटू आर इंटू एम। ये हमारा स्मॉल जी आ जाएगा, तो इक्वल टू एन ओवर एन प्लस वन जी इंटू ये एम जी आर। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर, एन ओवर एन प्लस वन एम जी आर, एन ओवर एन प्लस वन दैट इज एम जी आर। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3, दी एस्केप वेलोसिटी। हाँ देखिए इसमें पूछा गया है दी एस्केप वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ रेडियस आर इज। तो सबसे पहले हम अर्थ को ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ये मैं यहाँ पर अर्थ को ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये देखिए ये हमारा अर्थ है। अगर इसका रेडियस हमने आर लिया हुआ है, तो ये पूछा हुआ है इस प्रॉब्लम के अंदर कि एस्केप वेलोसिटी कितनी रहेगी। अगर इस मास को हमको एस्केप कराना है इस ग्रेविटेशनल फील्ड से, यहाँ पर देखिए इसकी टोटल एनर्जी जो रहेगी वो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी नेगेटिव। हम चाहते हैं जब इसको हम लोग थ्रो करेंगे तो इसके पास एनर्जी क्या रहेगी, एक तो काइनेटिक रहेगी हाफ एम वी स्क्वायर, एक पोटेंशियल रहेगी -gmm/r। तो वो एस्केप कराने के लिए मिनिमम एटलीस्ट इक्वल टू जीरो होना, एटलीस्ट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या ग्रेटर बाय जीरो भी चल जाता है तो वहाँ से वो एस्केप हो जाएगा। तो मिनिमम लिखा लेंगे, तो एस्केप वेलोसिटी जो रहेगी, तो आप देखिए अगर हम लोग इसको इक्वेट करते जीरो में, तो आप देखिए इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, ये एम एम कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये एस्केप वेलोसिटी हमारी आ चुकी है यहाँ पर, और ये देखिए ये एस्केप वेलोसिटी के लिए हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। देखिए इस तरह से हमारा एस्केप वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ चुका है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 gm/r, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, यही टर्म को, ये पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये स्मॉल जी में भी लिख सकते हैं, इट इज 2 gm/r² into r। तो इसके बाद जी एम ओवर आर स्क्वायर, इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 gm/r² into r।
और सरफेस पे जो ग्रेविटी रहेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी एम ओवर आर स्क्वायर रहेगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देखिए, फिर ये हमारा एस्केप वेलोसिटी जो बनेगा अंडर रूट टू स्मॉल जी इंटू आर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा एस्केप वेलोसिटी के लिए। ये हमारा एक्सप्रेशन जो है ये एस्केप वेलोसिटी के लिए अंडर रूट टू जी डॉट आर। मतलब इतनी वेलोसिटी अगर हम देंगे तो, अगर हम इतनी वेलोसिटी अगर हम मास को देते हैं ग्राउंड से, तो वो एस्केप हो जाएगा फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये देखिए, इसका ये आंसर है, दैट इज अंडर रूट टू जी डॉट आर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। द एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज वी, जो हमने निकाला हुआ है अंडर रूट टू जी आर। एस्केप वेलोसिटी फॉर अ प्लैनेट हुज रेडियस इज 1/4 द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड मास हाफ दैट ऑफ द अर्थ। यहाँ पर हमको एस्केप वेलोसिटी निकालनी है एक प्लैनेट के लिए, तो यहाँ पर हम उसकी निकाल सकते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अर्थ को एक ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर दिया गया है हमको एस्केप वेलोसिटी निकालनी है प्लैनेट के लिए, तो उसकी रेडियस 1/4 रहेगी ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड मास हाफ रहेगा ऑफ द अर्थ। तो आप देखिए, यहाँ पर जो इसकी रेडियस रहेगी, यानी ये जो प्लैनेट है उसकी रेडियस रहेगी, ये यहाँ पर दी गई है 1/4 टाइम्स, यानी आर बाय फोर है, 1/4 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि आर ऑफ द अर्थ के 1/4 टाइम्स है। और इसका जो मास है एंड मास हाफ ऑफ द अर्थ, तो इसका जो मास है फ्रेंड्स, ये देखिए मैं इसको यहाँ पर R1 लिख रहा हूँ, तो इसका जो मास है ये हाफ ऑफ द अर्थ, यानी कि हाफ टाइम्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, यहाँ से हाफ है। और हमको पूछा गया है कि हमको इसके वेलोसिटी फाइंड करनी है मास के लिए। इस प्रॉब्लम में हमको पूछा गया इसके वेलोसिटी फॉर द अर्थ वी है, और हमको इस प्लैनेट के लिए इसके वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर इस प्लैनेट के लिए हम इसके वेलोसिटी निकालते हैं, तो ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर हम लोग इसके वेलोसिटी इसकी कैसे निकाल सकते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो इसकी रहेगी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि ये प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि माइनस जी एम एम अपॉन आर डैश, यानी कि ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। सो दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर डैश, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो हमको काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी करनी पड़ेगी। और ये देखिए, ये हाफ एम वी डैश स्क्वेयर इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर डैश। अब ये एम एम कैंसिल हो गया, तो आप देखिए ये वी ई डैश स्क्वेयर हमारा क्या आ रहा है, टू जी एम, यानी कि ये जो रह रहा है ये इसकी मास ऑफ दिस प्लैनेट है, यानी कि मास ऑफ दिस प्लैनेट जी एम एम डैश आर डैश। अब हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ द अर्थ, तो एम डैश जो रहेगा वो मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय टू रहेगा, और आर डैश जो रहेगा वो आर ई बाय फोर रहेगा, आर ई ओवर फोर, ये टू टू हमारा कैंसिल हो। देखिए यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, वी डैश स्क्वेयर जो रहेगा ये फोर जी एम ई ओवर आर ई है, और देयर फोर वी ई डैश इज इक्वल टू अंडर रूट फोर जी
इंटू आर ई स्क्वेयर इंटू आर ई और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वी ई डैश इज इक्वल टू अंडर रूट फोर. ये जो पूरा टर्म है ये स्मॉल जी है तो देयरफॉर व्हाट इज नाउ वी ई डैश. ये हमारा हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इट इज अंडर रूट टू इंटू टू जी आर ई एंड देयर फॉर आवर एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू ये देखिए ये टू रेस टू पावर हाफ है तो अंडर रूट टू जी आर ई जो रहेगा ये हमारा देखिए ये यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ है राइट right? तो हम इसको आप कैसा लिख सकते हैं ये टू रेस टू पावर हाफ तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट ऑफ टू जी आर ई तो देयर फॉर एस्केप वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू एस्केप वेलोसिटी ऑफ दी तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेनेट इज गोइंग टू बी अंडर रूट टू इंटू एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ. तो ये हमारा आंसर है तो अंडर रूट टू इंटू एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ ये यहाँ पर ऑप्शन है तो देखिए ये इसका आंसर बी रहेगा. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. ये देखिए एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लेनेट इज वी ई. तो अगर हम एक एस्केप वेलोसिटी निकालते एक प्लेनेट की तो ये वी है. इफ इट्स मास इज इंक्रीज टू 8 टाइम्स एंड इज रेडियस इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स एंड द न्यू एस्केप वेलोसिटी वुड बी. तो अगर हमने एक प्लेनेट लिया मान लो अगर आप एक प्लेनेट बना रहे हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसकी एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं. मान लो अगर ये इसकी प्लेनेट है और ये इसकी रेडियस है तो इसकी एस्केप वेलोसिटी हम निकालेंगे मतलब ये मास की. ये देखिए इसकी एस्केप वेलोसिटी पहले हम निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो. आप देखिए अब ये एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर. एम एम कैंसिल हो जाएगा तो देयर फॉर एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एम ओवर आर. तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप मास को इंक्रीज कर रहे हो 8 टाइम्स और अगर आप रेडियस को इंक्रीज कर रहे हो 2 टाइम्स तो क्या होगा. तो ये देखिए ये इसकी एस्केप वेलोसिटी है यहाँ पर जो निकली हुई है दैट इज अंडर रूट टू इंटू जी एम अपॉन आर. और अगर हम मास को यानी कि अगर हम देखिए मास को अभी न्यू एस्केप वेलोसिटी जो रहेगी ये देखिए अगर हम मास को इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर दिया गया है इस प्रॉब्लम के अंदर कि अगर हम इस मास को इस प्लेनेट के मास को अगर इंक्रीज कर रहे टू 8 टाइम्स एंड रेडियस इंक्रीज कर रहे टू 2 टाइम्स यानी कि मास को हमको इंक्रीज करना है बाय 8 टाइम्स. 8 टाइम्स हम मास को बढ़ाएंगे और रेडियस को बढ़ाएंगे अगर 2 टाइम्स से ये देखिए क्या हो जाएगा. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 2 जी एम अपॉन आर. ये 2 बाहर निकल जाएगा तो ये हमारा 2 बाहर निकल जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर और ये 2 टाइम्स रहेगा प्रीवियस इसके वेलोसिटी के 2 टाइम्स रहेगा. तो ये न्यू
इसके वेलोसिटी जो रहेगा ये 2 टाइम्स रहेगा प्रीवियस इसके वेलोसिटी के। देखिए ये इसका सोल्यूशन रहेगा। तो अगर हम मास को चेंज कर रहे हैं और अगर हम रेडियस को चेंज कर रहे हैं, ये देखिए ये न्यू हमारी इसके वेलोसिटी रहेगी। हम मास को जैसे चेंज कर रहे हैं, अगर हम मास को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 8 टाइम्स और रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 2 टाइम्स, तो हमारी न्यू इसके वेलोसिटी जो रहेगी वो 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस रहेगी। देखिए ये इसका आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एवरीबॉडी।